हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मैं कंप्लीट बेडरूम का फर्नीचर, जिसमें हमने पूरा वार्डरोब, बेड और ड्रेसिंग साइड बॉक्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक साइड बॉक्स बनाया हुआ है बेड के, उसी के साथ अब आपको मैं इसका बेड का साइड कवर का जो डिज़ाइन बनाया वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो जिसमें हमने बॉर्डर वाला डिज़ाइन बनाया, जिसमें ऊपर की बॉर्डर हमने इसमें 1.5 इंच बाई 4 इंच इसको बॉर्डर कंप्लीट की हुई है, जिसमें दो कलर में आप माइका देख सकते हैं सेट किए। और अब दूसरी तरफ के साइड बॉक्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, इसमें हमने यहाँ पर 2 ड्रॉवर सेट किए हुए हैं। और उसी के साथ अब आपको मैं इसके ऊपर का डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने ड्रेसिंग के हिसाब से स्पेस छोड़ा हुआ, जिसमें अभी यहाँ पर मिरर लगना बाकी है। और अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर वार्डरोब कंप्लीट किया है। तो मैं फ्रेंड्स आपको इसके वार्डरोब की साइज़ बता देना चाह रहा हूँ। ये वार्डरोब की साइज़ हमारी 5 फीट बाई 6.5 फीट हमने स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई हुई है। उसी के ऊपर हमने यहाँ पर ये 3 हाइड्रोलिक वाले पल्ले सेट किए हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं वार्डरोब के अंदर साइड का डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह से इसके अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। हमने एक इसमें पूरा लंबा वर्टिकल लगा के बॉक्स छोड़ा, उसमें हैंगिंग के हिसाब से स्पेस है। उसी के साथ हमने छोटे छोटे बॉक्स यहाँ पर ही सेट किए हुए हैं। और अब मैं इसी के साथ अब आपको इसका दूसरी तरफ का डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो इसमें हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर हमने 2 ड्रॉवर दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ड्रॉवर हमने यहाँ पर ये 1 फीट बाई 6.5 इंच की एक ड्रॉवर है, उसी के नीचे वो सेम साइज की ड्रॉवर बनाई हमने। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसमें एक छोटा लॉकर वाला पल्ला भी सेट किया हुआ, लॉकर के हिसाब से स्पेस था उसमें। तो और आप पीछे देख सकते हैं, इसमें पिलर था, हमने इसको पिलर को कवर करके ही पूरा वार्डरोब डिजाइनिंग किया हुआ है। और अब आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे हमने इसमें ऊपर साइड जो हाइड्रोलिक के 1 फीट का जो बॉक्स सेट किए, उनकी गहराई भी हमने इसकी सेम रखी हुई है। इसमें अभी हाइड्रोलिक पंप हमारे लगना बाकी है। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, जैसे ये स्मॉल बेडरूम, छोटा बेडरूम है, बड़ी साइज़ नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर वार्डरोब की साइज़ भी छोटी रखी है। उसी के साथ हमने एक यहाँ पर एक स्टडी टेबल भी बनाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं स्पॉट लाइट के साथ कंप्लीट डिज़ाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कंप्लीट बेडरूम का फर्नीचर डिज़ाइन। तो आपको मैं अब इस रूम की साइज़ बता देता हूँ। ये 12 फीट बाई 10 फीट का रूम है, और इसमें जहाँ पर हमने आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर बनाया है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं इसके बैक पर सिर्फ कुशन का काम होना बाकी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।